अभी तक ऐसा कोई पीएम न आया न कोई आएगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे साथ बहुत धोखा किया, हमसे वोट लिया, हमें कुछ नहीं दिया। मोदी जी ने हमारे पहाड़ी समाज को, हमारे समाज को हमारा हक दिया है। कह रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे इस भारत के लिए जो किया, शायद हम लोग यही कहते हैं कि अभी तक ऐसा कोई पीएम न आया न कोई आएगा। और मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने जज्बाती तौर के आने पे ये कहता हूँ कि कह रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ है। डेवलपमेंट के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट लाए हैं, युवा पीढ़ी हमेशा मुतासर होती है काम से, और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम इस चीज पर मुतासर होकर यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए हैं उनको देखने। हमारे जो ये ट्राइब्स लोग यहाँ पर आए हैं उनको उनका दर्जा दिया गया है, और हमारी ये डिमांड थी और वही हम उनका धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। तो मोदी जी का शुक्रिया। हमारे जो मोदी साहब ने हमारे साथ वादा किया, इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं, जो उन्होंने वादा पूरा किया इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह उनको वोट दे के इंशाल्लाह फिर जिताएंगे। जो मैं पूरी यकीन से कह सकती हूँ कि मैं अपना उपचार 5 लाख के अंदर करवा सकती हूँ। भगवान से मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि माता वैष्णो देवी की कृपा बनी रहे, आप में नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में कभी भी किसी को बीमारी ना आ जाए। धन्यवाद बीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम नमस्कार जी, पुनः एक बार मेरा फिर से कोटि कोटि नमन प्रधानमंत्री महोदय। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीना जी। अब हम चलते हैं कठुआ जिले की कीर्ति शर्मा जी के पास। कीर्ति जी को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान के तहत लाभ मिला है। आज कीर्ति जी जम्मू में हमारे साथ यहाँ पंडाल में मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़ रही हैं। कीर्ति जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद जी। मेरा नाम कीर्ति शर्मा है, समूह का नाम अयान है, तहसील बसोली डिस्ट्रिक्ट कठुआ की रहने वाली हूँ। समूह से जुड़ने से पहले मेरा कोई रोजगार नहीं था, मेरी कोई पहचान नहीं थी। समूह से जुड़ने से मुझे अपने परिवार को, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का मौका मिला। समूह से जुड़ने से मैं अपनी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने में सफल रही। समूह से जुड़ने से पहले मेरा रोजगार नहीं था, मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर थी। समूह से 30,000 रुपये का लोन लेकर एक गाय लेकर अपना रोजगार चालू किया, जिससे मेरे महीने की आय जो ठीक हो गई। मैंने सोचा एक महीने एक गाय से रोजगार चल रहा है तो मैं अपनी समूह की महिलाओं को साथ में लेकर 3 गाय ली, जिसके लिए मैंने समूह से 1,00,000 रुपये का लोन लिया। वहां से मेरे साथ साथ मेरी समूह की महिलाओं का भी आत्मनिर्भर बनना और उनके परिवार को भी अच्छे से चलने का रास्ता मिला। मैं समूह से जुड़ने से पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी, एक नारी शक्ति बनाने में मुझे ये समूह का बड़ा सहायता मिला है। मैं संकल्प है कि जैसे मैं आत्मनिर्भर बनी हूँ, वैसे ही मेरी समूह की सभी महिलाएं
जिले की सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बने। समूह से आपके समूह में कितनी बहनें हैं? मेरे समूह में 8 बहनें हैं। और सब पशुपालन के ही काम में लग रही हैं कि और भी काम कर रही हैं? सर पशुपालन के काम में भी लगी हैं और कोई बहनें उसमें सिलाई भी करती हैं। तो आपके बैंक से कोई लोन वोन लिया है आपने? हाँ जी सर, समूह से बैंक से हमें लोन मिला है जिससे हमारा रोजगार बड़ा अच्छे चल रहा है। कितना लोन मिला बैंक से? सर पहले हमने 3 गाय लेने के लिए 1 लाख रुपए लिया था। अभी बैंक को पैसा वापस दे दिया या देना चालू है? ना सर, वो वाला हमने खत्म कर दिया है। आज 10 गाय हैं हमारे समूह की महिलाओं के पास। वाह, आपने तो बड़ी क्रांति कर दी है। हाँ जी सर। चलिए मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है। आपको सरकार की और कोई योजना का लाभ मिला है? हाँ जी सर, मुझे हमें समूह से जुड़ने से पहले किसी भी योजनाओं का पता नहीं था। समूह में जुड़ने के बाद हर एक योजनाओं का पता चला और उसका हमने लाभ लिया है, जैसे आवास योजना, जल जीवन योजना, आयुष्मान कार्ड, लाडली बेटी, हर एक उज्ज्वला योजना, हर एक का हमने लाभ लिया है। वाह, आप तो बढ़िया तरीके से बताती है। थैंक यू सर। अच्छा मुझे बताइए। हाँ जी सर। मेरा एक बड़ा सपना है। हाँ जी सर। वो सपना ऐसा है कि मैं देश में आप जैसी बहनें जो हैं, जो स्वयं सहायता समूह में काम करती हैं, हाँ जी सर, उसमें से 3 करोड़ बहनों को, हाँ जी, मैं लखपति दीदी बनाना चाहता हूँ। 3 करोड़ लखपति दीदी, आप मुझे बताइए आपके समूह में मुझे कितनी बहने लखपति दीदी बना सकता हूँ? सर मेरे जिले में 8,000 महिलाएं हैं जिनको मैं खुद कोशिश करके लखपति दीदी बनाने में आपका संयम सहयोग। 8,000, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए आपको बधाई हो। शुक्रिया सर। तहे दिल से मैं अपने नरेंद्र मोदी जी का, पूज्य राज्यपाल जी का, JKRLM का, उम्मीद का और जो बड़े बड़े सहयोगी हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति जी आपका। अब हम चल रहे हैं पुंछ, जहाँ से लाल मोहम्मद जी संवाद करेंगे। इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर बनाया है। लाल मोहम्मद जी पुंछ से। लाल मोहम्मद जी नमस्ते। प्रधानमंत्री जी नमस्ते। हमारे नमस्ते, नमस्ते। पूरे पुंछ के आवाम की तरफ से मैं आपको शुक्रिया और स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। लाल मोहम्मद जी जरा अपने बारे में बताइए, सरकार की योजना आपके इतने दूर दूर के गांव तक पहुंची है, आप तक उसका फायदा पहुंचा है, मुझे खुशी हुई। क्या क्या लाभ मिला है मैं जानना चाहता हूं।